अरे ये क्या हो गया, वेदांत 162 पे आ गया। यही सब सोच रहे हैं, ऐसे कैसे हो सकता है, इतनी प्रीमियम क्वालिटी कंपनी डिग्रेडेड हो गई, वापस इसको डाउन हो गया, 162 पे आ गया, तो बाय कर लेना चाहिए, 35 रुपये डाउन है। अरे रुक जाइए थोड़ा सा, और भी नीचे आने वाला है। तो वेदांता ने क्या किया, 1 तारीख को, 1 तारीख को इसने फॉल दिखाया, वो भी 35% का। क्या सॉलिड है वॉल्यूम, देखिए 9,85,61,62,137 से। चलो तुम नीचे आओ, हम वेट कर रहे हैं। कहाँ तक जाओगे, 130 तक तो आ ही सकता हूँ, आ जाओ। तो वेदांत में आपने देखा अच्छा खासा फॉल हुआ, और 1 तारीख को जो फॉल दिखाया इसने 180 का, जहाँ पे आप देखेंगे 179 रुपये पे, 180 पे ओपन, और वहाँ से ओपन होने के बाद ही फॉल चालू कर दिया, और 158 का लो बनाया, और 162 तक के फिर वापस जाके रिकवरी दिखाया। ऐसा क्या हो गया था कि इसमें बहुत सारा, बहुत लोग बोले कि वहाँ का प्लांट, तमिलनाडु का जो प्लांट था वो स्टार्ट नहीं हुआ, वो ETP का प्रॉब्लम था, पॉलिश PCC का प्रॉब्लम था, स्टार्टअप नहीं दिया गया। अरे ये सब तो पहले की कहानी है, स्टार्टअप तो परमिशन मिल चुका है उनको, लेकिन इस क्वार्टर का जो रिजल्ट आया उसके चलते थोड़ा ख़राब आया, और मुझे नहीं लगता है कि इतना भी ख़राब आया कि आप इसको इतना धो दिए। लेकिन अब हो, मेरे को लगता है कि एक बार ये नीचे जाएगा, क्योंकि इसने एक सेंटिमेंट को ब्रीच किया है, और हो सकता है कि यहाँ पे FI जान के इसको, जो बड़े वॉल्यूम है उसको नीचे लेके जाना चाहते हैं, ताकि रिटेलर सारे बाहर आ जाए। अगर मैं इस कंपनी के बारे में बात करूँ तो ये कंपनी मुझे किसी भी तरीके से खराब नहीं दिखती है। वेदांता एक्सप्लोरेशन प्रोडक्शन सेल ऑफ एल्युमिनियम आयरन और कॉपर कमर्शियल पावर की है, और मुझे सबसे अच्छा इसका डिविडेंड यील्ड जो देता है, जो 13% से देता है, ये मुझे अच्छा लगता है। सेल्स ग्रोथ को 1-2% का नहीं है, 12% का है, और रिकमेंड देखिए, रिटर्न निगेटिव है, रिटर्न थोड़ा देख लीजिए निगेटिव है, और शेयर होल्डर में देख लीजिए म्यूचुअल फंड बाइंग कर रहे हैं, दिसंबर के में देखेंगे तो म्यूचुअल फंड ऐड कर रहे हैं, FI थोड़ा बाहर निकल रहा है, और प्रमोटर एज इट इज अपने बने हुए हैं, ये होल्डिंग परसेंटेज है। और रिकमेंडेशन की बात भी कर लें तो रिकमेंडेशन में आप देखेंगे एडल्यूस ने 17 दिसंबर को इसका 285 का टारगेट दिया है, और पहले मोतीलाल ओसवाल ने इसका 231 जुलाई को 269 का भी रिकमेंडेशन दिया है। तो हुआ क्या ऐसा कि इसने फॉल कर दिया, तो यहाँ पे एक न्यूज आया था, वेदांता प्लंग्स 18% एज ब्रोकरेज डाउनग्रेड स्टॉक ऑन इट्स एंग्लो अमेरिकन इन्वेस्टमेंट। इस बेसिस पे 18% का गिरावट इसको देखा गया। थोड़ा पढ़ लेते डिटेल में, वेदांता रिपोर्टेड 21% इन ईयर एंड डिक्लाइन इन थर्ड क्वार्टर। थर्ड क्वार्टर का रिजल्ट डिक्लाइन हुआ, मैं आपको इसका रिजल्ट ही दिखा देता हूँ, प्रॉफिट ही दिखा देता है, स्टैंडर्ड लोन, ये स्टैंडर्ड लोन प्रॉफिट है। तो अगर मैं इसका क्वार्टर का रिजल्ट दिखाऊँ, देखिए एक्चुअली क्या फॉल हुआ, इसका रीजन बताता हूँ। क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखेंगे तो 15% से 9% हुआ, क्योंकि जो खर्चा था सेल जिस हिसाब से बड़ा, खर्चा उस हिसाब से ज़्यादा बढ़ा, मीन्स रॉ मटेरियल की कॉस्टिंग इसकी ज़्यादा आई। अगर देखेंगे तो मटेरियल कॉस्ट जो 42% था वो 44% हुआ, जबकि एम्प्लॉय कॉस्ट आप देखेंगे तो रिड्यूस हुआ है, बट आप मटेरियल कॉस्ट देखेंगे 2% से बढ़ गया, 2.5% से। ये एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ा। तो मटेरियल कॉस्ट क्यों बढ़ा, क्योंकि वहाँ पे क्रूड के अप गया हुआ था, तो इससे कोई बहुत बड़ा इम्पैक्ट नहीं पड़ने वाला है, वापस ये अपने गेन आप देखेंगे। जब यहाँ पे भी देखिए मार्च 18 में 8% था, तो उसके बाद 20% और 15% ये रिकवरी कर चुका था, और ये चूंकि एल्युमिनियम ओर और मटेरियल जैसे प्रोडक्ट में है, तो ऐसा कुछ नहीं है कि इसमें निगेटिव है। लेकिन बोलेंगे अब तो आप बोल रहे हो तो अब तो कल गिरना नहीं चाहिए, इससे नीचे तो जाना नहीं चाहिए। अरे जाएगा नीचे, जब गिराना मेरे को है तो नीचे तो जाना ही पड़ेगा ना, ये नीचे जाएगा। कहाँ तक जाएगा अभी देखिए, इसका वॉल्यूम एक बार मैं आपके सामने इसका वॉल्यूम लेके आया हूँ। 18 जनवरी से 1 फरवरी का पूरा वॉल्यूम है इसका, मैं 2 वीक का वॉल्यूम आपको दिखा रहा हूँ, जहाँ इसमें 83,63,99,75,61 इतना का वॉल्यूम हो रहा था। अभी वहाँ पे 30 जनवरी के बाद से देखिए इसमें वॉल्यूम में चेंज आया, और वॉल्यूम में चेंज आते ही आप देखिए 1 करोड़, फिर 1,34,00,000, और ये देखिए 9,85,00,000 के साथ वॉल्यूम को तोड़ा गया है। तो ये कोई फ्राइडे को ख़त्म नहीं हो गया, 1 फरवरी को ये ख़त्म नहीं हो गया। अब इसको और वॉल्यूम आप मंडे को देखिएगा ऐड होगा इसमें, और ट्यूसडे को और वॉल्यूम ऐड होगा,
और इसको नीचे की ओर धकेला जाएगा। तो आपको क्या करना चाहिए, जो यस बैंक में स्ट्रेटजी है वही स्ट्रेटजी आपको वेदांता में अडॉप्ट करनी है। जो मैंने आपको यस बैंक में स्ट्रेटजी बताई है आप जाकर के वही वेदांता में अडॉप्ट करें, नहीं तो आप अपने मेरे प्रीवियस वीडियो को जाकर के वेदांता का जो वीडियो है मेरा, जो यस बैंक का वीडियो है आप जाकर के देख सकते हैं, यस बैंक का वीडियो ऑलरेडी मैंने दे दिया। तो यही स्ट्रेटजी आपको अडॉप्ट करनी है जो कि आपको अभी यहाँ पे वेदांता में अडॉप्ट बताया है मैंने, तो आप जाकर के उसको देख सकते हैं और वही स्ट्रेटजी अडॉप्ट कीजिए तो आपको बहुत फायदा होगा। आपको नीचे कहाँ तक जा सकता है, तो नीचे चार्ट पे देखिए, तो इसका मंथली चार्ट पे देखिए, ये बहुत अच्छा सपोर्ट इसको यहाँ पे मिला हुआ है ऑलरेडी, ये मंथली सपोर्ट बता रहा हूँ आपको मैं 125 के आसपास, और इसके पहले जो सपोर्ट था इसका जो ये था, इसको तो इसने भी एक बार तोड़ दिया है, ये 160 का ही सपोर्ट था जहाँ पे ये क्लोजिंग दिया है ना, एकदम सपोर्ट पे आकर के क्लोजिंग लिया 162, तो ये इसका यही क्लोजिंग था, यहीं पे सपोर्ट था इसको और वहीं पे आके फर्स्ट ड्रॉप हुआ है, लेकिन ये नहीं रुकेगा इसकी गारंटी है, 200 नहीं 500 1000% गारंटी है कि ये फॉल बनाएगा। और अब ये जो गैप अप आपको दिख रहा है यहाँ पे मीन्स 172, इसके बाद पोजीशन, जिनको नेगेटिव नहीं सोचना है, जिनके पास कोई पोजीशन नहीं है उनको 175 के बाद ही पोजीशन बनानी है, जब ये 175 प्लस दिखाए तो आप पोजीशन बनाने बना सकते हैं, लेकिन जिनके पास पोजीशन है उनको अभी कोई बाय नहीं करनी है। कहाँ बाय करनी है, जब ये आपको 125 के आसपास आपको दिखेगा। अब ये मैं बकवास तो कर नहीं रहा, ये सपोर्ट बता दिया आपको, तो बकवास ही है, जब गिरा तो आपने बता दिया, पहले बता देते तो पहले 9 करोड़ का वॉल्यूम बनता, ये मुझे मालूम नहीं था, मालूम ना था तो जरूर बता देते। और डेरिवेटिव में ऐसा कोई पोजीशन नहीं बन रहा था, अभी ये देखिए, अब मैं ये डेरिवेटिव आपको दिखाता हूँ वेदांता का, 161 का, 162 का है, 1 फरवरी का है। अब डेरिवेटिव में पोजीशन देखिए, आप खुद ही देखिए, 135 तक की डेरिवेटिव में पोजीशन ऐड हो रहा है, वो भी कितना, 13,38,000 का। सबसे ज्यादा हाईएस्ट ओपन कहाँ पे ऐड हो रहा है, 135 पे। मैं थोड़ा बोल रहा हूँ, ये तो डाटा बोल रहा है, 135 तो जाएगा फिर ये। और आपको यही सपोर्ट क्या दिखा रहा है यहाँ पे, 125 का, 125 का चार्ट में भी प्रीवियस सपोर्ट यहाँ पे लिया हुआ है, ये आपको जुलाई 2013 में ये सपोर्ट लिया था और वो टेस्ट लेगा, इसके नीचे नहीं जाना चाहिए, जाएगा तो कहाँ चला जाएगा, जाएगा तो फिर 68-70 चला जाएगा, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि 68-70 तक टच करना चाहिए, तो 125 इसके बाद पूरा दम रखता है ये टेस्ट करने का, घबराने की जरूरत नहीं, हड़बड़ाने की जरूरत नहीं है। आपको कहाँ कहाँ पोजीशन बनानी है, अगर जैसे कि आपको वहाँ पे बताया यस बैंक में, सिमिलर स्ट्रेटजी आपको यहाँ पे अडॉप्ट करनी है। आपको अभी कहाँ पे, 160 पे कोई बात नहीं, 150 पे आपको 25% बाई करनी है, फिर आपको 140 पे करनी है, और 140 के बाद देखना 125 पे होता है या नहीं होता है, तो आपका एवरेज भी अच्छा हो जाएगा। जितना इन्वेस्टमेंट है सिर्फ उसका परसेंटेज बताया, अगर 100 शेयर लिया है तो आपको 150 पे 20 शेयर लेना है, 140 पे फिर 20 शेयर लेना है, 125 पे फिर 20 शेयर लेना है, और अगर वहां से अप ट्रेंड लेता है तो आपको बाकी अपने 40% को ऐड कर देना है। ये सिंपल सी स्ट्रेटजी है वेदांता में, तो वेदांता में घबराने की जरूरत नहीं है, मैंने आपको पहले दिखा दिया 13% का डिविडेंड देता है, तो ये समझिए आपके फ्री में आपके पोर्टफोलियो में ऐड हो जाएगा, ये इन्वेस्टमेंट के रूप में लीजिए, इसको ट्रेडिंग मत कीजिए। अगर ये पोर्टफोलियो में ऐसे स्टॉक हैं आपके पास तो कहीं घबराने की जरूरत नहीं, न्यूज़ तो आते रहेगा और इसको तो गिराना है। और ये शेयर नहीं, मैं आपको अभी बताता हूँ, आगे कमिंग डेज में सारे प्रीमियम शेयर गिरने वाले हैं, आपको हर प्रीमियम शेयर में न्यूज आने वाली है, कोई भी अच्छी शेयर हो, अभी आपको पुट की और पोजिशन, या अगर कहीं प्रॉफिट है तो बुक करके कैश में बैठना चाहिए अच्छे शेयर में। अगर स्मॉल कैप मिड कैप में है तो अब उसमें ज़्यादा फॉल देखने को शायद नहीं मिलेगा, इसको स्मॉल और मिड कैप में, वहाँ पे ऑलरेडी वो फेल हो चुका, लेकिन लार्ज कैप सब फॉल होने वाला, चाहे वो मारुति हो, चाहे HDFC बैंक हो, जितने भी आप नाम बड़े ले लीजिए सब फॉल होने वाले हैं, और ये लास्ट फॉल इनके लिए होने वाला है। आइसर मोटर है, टाइटन है, टाइटन में सभी ने बुलिश का दिया रिकमेंडेशन, मैं आपको बेरिश का रिकमेंडेशन देता हूँ, ये 1200 जो अभी है टाइटन, चलिए एक बार टाइटन को देख लेते हैं, क्योंकि मैं टाइटन बोला तो सारे रिकमेंडेशन बाइंग के हैं और रिजल्ट बहुत अच्छा आया है उसका, तो सब लोग तो बोल रहे होंगे बाय करो उसको, मैं आपको उल्टा बोलता हूँ कि बेरिश है अब उसको, वहाँ पे बाय मत करो, जो बाय करना था लोगों ने कर लिया। तो टाइटन एक मिनट,
सेकंड कंपनी। तो एक बार इसके चार्ट को आ जाने दीजिए। सेकंड कंपनी सर एक साइन हो गया। थोड़ा ऑलरेडी गिरावट दिख रही है यहाँ पे, तो चलिए अगर गिरावट है तो कोई बात ही नहीं है, बुलिश टर्न आपको जिसको देखना है, क्योंकि यहाँ पे मुझे डबल टॉप फॉर्मेशन दिख रहा था और कुछ नहीं दिख रहा था। ये देखिए ये डबल टॉप फॉर्मेशन यहाँ पे दिख रहा है मुझे, और ये डबल टॉप को जस्ट क्रॉस किया है, तो मुझे नहीं लगता है कि ये जो क्रॉस किया है ये आपको ज़्यादा फ्रूटफुल दिखेगा। ये जो क्रॉसिंग है ना, ये क्रॉसिंग अगर यहाँ पे स्ट्रॉन्ग देखिए ये किया है, ऑलरेडी किया है, इस लेवल को देखिए आप खुद चेक देखिए, जो डबल टॉप के है उसको क्रॉस किया है, और ये सिर्फ रिजल्ट के लिए आपको एक डम्मी क्रॉसिंग है। ये देखिए ये आप खुला है, अब गया है ना, तो ये एक डम्मी क्रॉसिंग है, लेकिन उसके बाद ही रेड पैटर्न बना लिया है, तो मुझे लगता है कि अब यहाँ से फॉल आपको दिखाई देगा। तो चलो टाइटन में अगर किसी ने बाइंग रिकमेंडेशन दिया तो मुझे नहीं मालूम, बट मेरे को लगता है कि एक बार वापस ये नीचे की और आपको फॉल दिखाएगा। बाकी आप खुद समझदार हैं, आप खुद पोजीशन बना सकते हैं। वेदांता थोड़ा निगेटिव है, और सिर्फ रीजन एक है, मैंने आपको बता दिया, डेरिवेटिव में पोजीशन है और कोई रीजन नहीं है। न्यू जाने दीजिए, जिसका जो न्यू जा रहा है आप भुला जाइए, 135 पे अपना पोजीशन आएगा। चाहिए अगर किसी को लगता है तो 135 की पुट आपको मिल रही है 3.05 रुपये पे, आप भी जाके बना लीजिए। और ये लॉट साइज जो होता है 2300 का लॉट साइज है, 9600 रुपये का आपका इन्वेस्टमेंट है, लेकिन ये सारे एजुकेशनल पर्पज से है, आप पेपर ट्रेडिंग कीजिए, मेरा कोई रिकमेंडेशन नहीं है मार्केट में आपको बाय करने के लिए। तो ये एक इस पर आप ध्यान रख सकते हैं। ये देखिए पुट मिल रहा है वेदांता का, और ओपन इंटरेस्ट देखेंगे तो ये ओपन चेंज इन ओपन इंटरेस्ट कुछ भी नहीं है, तो ये अच्छा आपको बाय मिल सकता है। और देखिए बाइंग में 411,000 खड़े हैं, इस पुट पे भी 241,000 सेलर पे है, मतलब कि बाइंग अभी भी 235 के पुट पे सॉलिड है, तो आपको 135 के पुट पे, तो आपको भी वॉच रखना चाहिए, देखना चाहिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।